कहने को तो औरतों की दशा में सुधार के लिए बहुत कुछ किया गया है, लेकिन सुधार बहुत ज्यादा दिखता नहीं है। कुछ जगहों पर है क्योंकि शिक्षा बढ़ी है, काफी सुधार है, लेकिन बहुत सारी औरतें अभी ऐसी हैं जिनको बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हर घर में हर आदमी ऐसा नहीं करता है। इस बात को कोई अपने ऊपर ना ले, लेकिन जब हम अपने आसपास देखते हैं, अपने गांव में देखते हैं, जो महिलाएं कम शिक्षित हैं, हमारे घर में जो काम करने आती हैं, जब वो अपनी आप बीती बताती हैं, बड़ी तकलीफ होती है। तब लगता है कि कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। आज भी सब कुछ वैसा ही है। जो औरतें कम शिक्षित हैं और गरीब तबके की हैं, जो जिनको आप देखेंगे सब्जी लगाती हैं, घरों में काम करने जाती हैं, जब आप उनसे बात करेंगे तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। उनमें ज्यादातर महिलाओं के साथ गलत होता है। वो खुद कमाती हैं, आत्मनिर्भर होती हैं, लेकिन हुकूमत पुरुषों की चलती है, पूरी तरह से चलती है। और हुकूमत का मतलब कि बेवजह हाथ उठा देना, मतलब कि खुशी हो रही है क्या आपको अपनी पत्नी को मारने पर? मामूली सी वजह होगी और आपका हाथ उठ जाता है। कितनी गलत बात। क्या किसी ने अपनी बेटी इसलिए आपको ब्याही है कि आप उसके ऊपर हाथ उठाएं? एक अपनी बराबर का दर्जा जिसका आपके साथ है, आप उसके ऊपर हाथ उठाते हैं इसलिए कि वो आपकी पत्नी है? अगर वो आपकी पत्नी नहीं होती, कोई दूसरी औरत होती, तो मजाल है कि आप उसके ऊपर हाथ उठा लेते और वो सह लेती। वो आपके एक बार हाथ उठाने में आपकी दुर्गत बिगाड़ देती, आपकी हालत खराब कर देती, और तब आपको पता चलता कि औरतों पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। पर चूंकि उस औरत की शादी आपके साथ हुई है, आप उनके पति परमेश्वर हैं, सिखाया गया है कि आदमी कुछ भी करे, आपको सब कुछ सहना है, तो वो औरत आपकी मार भी सहती है और आपको खाना बना करके भी देती है, और जब आप बीमार होते हो तो आपकी देखभाल भी करती है। इसके बावजूद वो कुछ करना बंद नहीं करती है। ऐसे आदमियों को क्या बोला जाए? ये तो उस तरह के हाथ हैं जो सिर्फ औरतों के ऊपर उठते हैं। बाकी इनमें वो ताकत नहीं है कि वो किसी और के ऊपर हाथ उठा ले। पता है कि बाहर हाथ उठाएंगे तो क्या हो? पता है कि किसी और की औरत पर हाथ उठाएंगे तो क्या होगा? जो आपकी पत्नी है, उसके ऊपर कोई और अगर हाथ उठा दे, तो वही औरत इतना मुंह तोड़ जवाब देगी, ऐसा जवाब देगी कि सात पुश्तें याद रखेंगी। लेकिन आप पति हो, इस वजह से वो आपका सब कुछ सह लेती है। औरतों के ऊपर हाथ उठाना बंद करें। पुरुष का औरत के ऊपर हाथ उठाना बड़े अपराधों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए और सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। और औरतों को बगैर डरे इस बात को खुलेआम कहना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए और सबसे बताना चाहिए कि आपके ऊपर हाथ उठाया गया है। उसका विरोध सख्ती से करिए, क्योंकि अगर आपने आज विरोध नहीं किया तो कल आपकी जान भी जा सकती है। और दूसरा, ये आपकी बेटी, जो आपकी बेटियां हैं, वो कल इसे परंपरा ये इसीलिए चलती आ रही है क्योंकि अभी तक सख्ती से विरोध किया ही नहीं गया है। औरतें मार खाती आ रही हैं, पढ़ी लिखी औरतें, अपने पैरों पर खड़ी औरतें, आत्मनिर्भर औरतें जान गंवा रही हैं। कुछ लोग इस तरह के इंसान होते हैं कि उनको ये समझ में नहीं आता कि सामने वाला भी इंसान है। वो कभी भी उसको मारना शुरू कर देते हैं छोटी छोटी बातों पर, कई एक दिन में कई बार हाथ उठा देना, कुछ भी फेंक कर मार देना। ऐसी ऐसी हरकतें की जाती हैं औरतों के साथ कि सारी बातें बोलने में भी दिक्कत होती है। औरतों को इन सारी बातों का विरोध करना चाहिए। जो भी हमारे आसपास महिला या पुरुष हैं और ऐसी हरकत देख रहे हैं, तो उन्हें भी इस बात पर सख्ती से आवाज उठानी चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनका पर्सनल मामला है, होगा
लेकिन हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हम बिल्कुल विरोध करेंगे चाहे भले ही किसी को बुरा लग जाए। तो ऐसी जगहों पर जब औरतों के साथ अपराध होता है, ये अपराध ऐसा है कि खुलेआम होता है, इसके लिए कोई जगह नहीं तलाशी जाती। हमारे कानों में आवाज़ पड़ती है, हमारे पड़ोस में औरतें रोती हैं, मार खा रही हैं, लेकिन पड़ोसी कुछ नहीं बोलते हैं, मकान मालिक कुछ नहीं बोलते हैं, सुनते रहते हैं, रिश्तेदार कुछ नहीं बोलते हैं। तो ऐसा करना बंद करिए। ये सब हमारे समाज का हिस्सा है। समाज में बदलाव तभी आएगा जब हम इसका विरोध करेंगे। और ऐसा नहीं कि हर आदमी ऐसा है, और आदमियों ने औरतों की स्थिति में सुधार के लिए बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन कुछ आदमी ऐसे हैं बहुत ज़्यादा तादाद में जो कि औरतों के ऊपर हाथ उठाना अपनी शान समझते हैं। हर छोटे से छोटे अपराध का खुलकर विरोध करिए, क्योंकि ये बड़े अपराध को जन्म देता है। अपने आसपास औरतों को, बच्चियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत में देखिए तो उनका साथ दीजिए, तभी असली नारी सशक्तिकरण कहलाएगा।